पूर्व केंद्रीय मंत्री ने जेपी नड्डा पर साधा निशाना। पी चिदम्बरम ने पूछा, नड्डा ने अपना नामांकन पत्र कब और किस चुनाव प्राधिकरण के समक्ष किया दाखिल। बीजेपी ने कांग्रेस अध्यक्ष पर चुनाव की थी आलोचना। आज से दो दिन के विश्राम पर भारत जोड़ो यात्रा, 6 अक्टूबर से आगे बढ़ेगी यात्रा। सोनिया गांधी भी होगी यात्रा में शामिल। केंद्र सरकार पर भड़के राजद सांसद, मनोज झा को पाकिस्तान जाने की नहीं मिली इजाजत, 4 दिनों की मांगी। पीएम के हिमाचल दौरे से पहले विपक्ष हुआ हमलावर, विपक्ष के घेराव के बाद पत्रकारों को मिली रैली कवर करने की इजाजत, पत्रकारों से मांगे गए थे चरित्र प्रमाण पत्र। दशहरा रैली से पहले महाराष्ट्र में महासंग्राम, शिंदे और ठाकरे गुट का एक दूसरे पर तंज, उद्धव ठाकरे की आवाज में जारी किया गया वीडियो। नेशनल हेराल्ड केस में जारी जांच, ईडी ने कांग्रेस के 5 नेताओं को भेजा समन, आज होगी पेश। हेमंत लोहिया मामले में पुलिस के हाथ लगी सफलता, जम्मू कश्मीर के डीजी जेल की जान लेने वाला मुख्य आरोपी यासिर हुआ गिरफ्तार, पुलिस कर रही पूछताछ। जम्मू कश्मीर दौरे पर गृह मंत्री अमित शाह, वैष्णो देवी मंदिर में की पूजा अर्चना, सुरक्षा स्थिति की करेंगे समीक्षा। गृह मंत्री अमित शाह के जम्मू कश्मीर दौरे का दूसरा दिन आज, राजौरी में जनता को किया संबोधित, पहाड़ी समुदाय को साधने की कोशिश। सपा संरक्षक की हालत में नहीं है सुधार, आईसीयू में भर्ती हैं मुलायम सिंह यादव, चल रहा इलाज।